हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैटल ग्राउंड में आपको लॉकआउट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है लॉकआउट का, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लॉकआउट आपको करना है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आपको सेटिंग में जाके कैसा लॉगआउट करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा और DM भी किया, तो आज फाइनली ये वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबसे पहले देख सकते हो। दोस्तों, और आप ही के लिए मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस में लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आपको लॉगआउट कैसे करना है। आप समझ लो लॉगिन तो कर लिए और आप गेम खेल रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप जितना भी गेम खेल रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको लॉगआउट करना है। तो कैसे लॉगआउट करना है और कहाँ से लॉगआउट करना है, बहुत सारे लोग को ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मुझे भी नहीं मिला था, मैं काफ़ी ढूंढा हूँ उसके बाद मुझे मिला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से जाके आपको लॉगआउट करना है। दोस्तों, सपोज़ अभी आपको गेम खेल के हो गया आपको और अभी आपको बंद करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे कॉर्नर में एक नीचे राइट साइड में कॉर्नर में यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा दोस्तों, और उसके ऊपर एक रेड डॉट दिख रहा होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको दोस्तों देखना है और क्लिक करना है। दोस्तों, वहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, सेटिंग, क्लैन, रैंक, रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे सेटिंग जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में देखिए लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे बड़ा सा लॉग आउट लिखा है दोस्तों। तो उसके बाद आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएगा लॉग आउट ऑफ द करंट डिवाइस, तो उस पर आपको क्लिक करके ओके का बटन दबाना है दोस्तों, तो हो जाता है इससे आपका लॉग आउट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा लॉगआउट कैसा करना है, और अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मैं वापस से ये क्लिप आपके लिए ऐड कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख देख के इजीली कॉपी करके लॉगआउट करना सीख जाओगे दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी से रिलेटेड आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में या DM इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। दोस्तों, आप सबका रिप्लाई देता हूँ मैं। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।